हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद ज़ैनब। आज मैं आपके साथ थिक क्रीमी हॉट चॉकलेट की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हम कैफे स्टाइल हॉट चॉकलेट घर पे बना के तैयार करेंगे। और जो थिकनेस होती है कैफेज में, आपने देखा होगा, उसे कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो उसके लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वीडियो कम्प्लीटली वॉच करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए एक सॉस पैन ले लिया है, इसे गरम करने रखा है। इसमें मैं 500 ml दूध डाल रही हूँ। अगर कप से मापा जाए तो 2 कप ये दूध है। इसे हमें बॉईल करने रहना है, और जब तक ये बॉईल होगा उसके पहले हमें डालना है 1/2 teaspoon सिनेमन पाउडर। इससे टेस्ट और फ्लेवर और हर चीज़ बहुत एनहांस हो जाती है। 2 tablespoon यहाँ पे कोकोआ पाउडर डालेंगे। आप कोई भी तरह का ले सकते हैं, लाइट, डार्क या डच प्रोसेस, कोई भी तरह का कोकोआ पाउडर। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा कलर तो आता ही है, साथ में बहुत चॉकलेटी फ्लेवर आता है। इसी तरह से इसे मिक्स करते हुए इसे पकाएंगे, बॉईल आने देंगे इसके अंदर। तो मीडियम फ्लेम पर हमें दूध को इसी तरह से मिक्स करते हुए पकाना है। तो यहाँ पे देखिए, आप जितने लम्स थे कोकोआ पाउडर के वो सारे डिसॉल्व हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इस टाइम पे हम डालेंगे चॉकलेट। मैं यहाँ पे सेमी मिल्क डार्क चॉकलेट ले रही हूँ। आप कोई भी तरह की ले सकते हैं, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, चॉकलेट कोई भी तरह की चॉकलेट यहाँ पे ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैंने यहाँ पे 1/2 cup ली है, तकरीबन 750 grams है ये। और अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि हमारा दूध ऑलरेडी बहुत गर्म है तो हमारी जो चॉकलेट है वो बहुत आसानी से मेल्ट हो जाएगी। तो भी हमें इसे मिक्स करते रहना है। आप देख सकते हैं कलर बहुत अच्छा आ गया है इसके अंदर। थोड़ी थिकनेस अब बढ़ाएंगे हम, जिसके लिए मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताया था वो डालेंगे। तो वो है कॉर्नफ्लावर। 1 tablespoon यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डालेंगे। जितने भी कैफेज़ में आपने हॉट चॉकलेट पिया होगा, सारे कैफेज़ कॉर्नफ्लावर से इसकी थिकनेस जो है वो इनक्रीज़ करते हैं। जैसे ही आप कॉर्नफ्लावर डाल दें, इमीडिएटली आपको चम्मच चलानी है, ताकि कोई भी तरह का लम्स फॉर्म ना हो जाए हमारे हॉट चॉकलेट में। तो इमीडिएटली इसी तरह से हम रोटेट करते हुए हमारा जो हॉट चॉकलेट है उसे मिक्स करते रहेंगे, ताकि कोई भी तरह का लम्स ना आए। अब यहाँ पे मैं 3 tablespoon चीनी के डाल रही हूँ। अगर आपकी मिल्क चॉकलेट है, अगर आपने मिल्क चॉकलेट डाली है तो फिर आप चीनी मत डालें, ऑलरेडी चॉकलेट मीठी होती है। अगर आपने डार्क चॉकलेट ली है तो थोड़ी ज़्यादा चीनी डालें, क्योंकि मैंने सेमी मिल्क चॉकलेट ली थी तो मैं 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अच्छे से बॉईल करेंगे इसे, 2-3 उकाला ले लेंगे इसके अंदर, और हमारा जो हॉट चॉकलेट है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमने कोई तरह का क्रीम इसमें ऐड नहीं किया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा गाढ़ा सा जो दूध है वो बनकर तैयार हुआ है। तो हमारी जो हॉट चॉकलेट है वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है, और बहुत ज़्यादा थिक है, और बहुत ज़्यादा क्रीमी है। ये देखिए इसका क्लोजर लुक, बहुत ज़्यादा यमी है ये। तो चलिए इसे अब हम डिश आउट करते हैं। तो जब तक मैं डिश आउट कर रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हमें इसे सर्व करना है। साथ में मैं यहाँ पे मार्शमेलोज डाल रही हूँ, जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप ना ही पसंद करते हैं तो ना डालें। ऊपर से चॉकलेट की थोड़ी शेविंग्स मैं डाल रही हूँ, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये बिल्कुल आप डालें अगर आपको अच्छा लगता है। और थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे कोकोआ पाउडर। That's it. हमारा हॉट चॉकलेट थिक एंड क्रीमी बनकर तैयार है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपका हमेशा वेट करते रहती हूँ। लाइक का बटन दबा दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। काफ़ी लोग वीडियोज़ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो और एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन, ईट हेल्दी एंड होममेड फूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।